समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान पर मुसीबतों के पहाड़ कम होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। हालांकि आजम खान अपनी बेबाकी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं और वो कई मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हुए नजर आते हैं। जाहिर है अब आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के ऊपर एक नया मामला छेड़ दिया गया है, जिसमें दो पैन कार्ड रखने का मामला दर्ज किया गया है। अब्दुल्ला आजम का दो पैन कार्ड का मामला रामपुर की MP MLA कोर्ट में चल रहा है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से स्टाम्प वेंडर जुबैर अहमद का बयान दर्ज हुआ। जुबैर अहमद को अदालत में गवाह के तौर पर पेश किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी। दो पैन कार्ड मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खान और तंजीम फातिमा को भी आरोपी बनाया गया है। मुकदमा थाना सिविल लाइंस में दर्ज कराया गया था। वहीं बात करें तो अब्दुल्ला आजम ने स्टाम्प जुबैर अहमद से खरीदा था। दो पैन कार्ड मामले में BJP नेता आकाश सक्सेना ने मुकदमा दर्ज कराया था। अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471 और 120 भी IPC का मुकदमा दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।